रेगुलर फाइट से कैसे डील करें। गाइस शायद ही ऐसे कोई कपल होंगे जिनके बीच में फाइट्स नहीं होती हो, दैट मीन्स कि काफ़ी कपल्स हैं जिनके बीच में रेगुलर फाइट्स होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप उन फाइट्स से कैसे डील करते हो। यानी एक बात समझ लो, आपके बीच में फाइट्स होगी, हो सकता है काफ़ी कम फाइट्स होगी या फिर काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होगी, लेकिन आप उन फाइट से जैसे डील करते हो वैसा ही आपका रिलेशनशिप बन जाता है। सो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जब भी आपके बीच में फाइट होती है तब आपको क्या नहीं करना चाहिए। गैस कभी भी जब भी फाइट होती है तब हर्टफुल वर्ड्स को यूज़ मत करो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अगर फाइट होती है तो वो एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई एक दूसरे इंसान को गाली देता है, बहुत बुरी बुरे वर्ड्स यूज़ करता है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है। सो यार आप ऐसा मत करो। हमेशा याद रखना, वो जो फाइट है वो टेम्पररी है, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना वो बातें हमेशा उस इंसान के दिमाग में रहेगी, हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। इसीलिए आपको कभी भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा वीक होगा। आप ये मत सोचो कि फाइट ख़त्म होने के बाद हम सब बातें भूल जाएंगे, नहीं, आप जो बातें बोलते हो वो सारी बातें उस इंसान के दिमाग में हमेशा रहती है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मैं ट्राई करूँगा आपको एज अ फ्रेंड गाइड करूँगा, एज अ ब्रदर गाइड करूँगा। सो अगर आप मुझसे कॉल पर भी बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। अब आगे बढ़ते हैं। गाइस हमेशा याद रखना, जब भी फाइट होती है ना तो आपको पुरानी फाइट्स को बीच में नहीं लाना है। काफ़ी कपल्स क्या करते हैं, जब भी उनके बीच में फ़ाइट होती है तो वो पुरानी फाइट्स को भी उठाकर इस फाइट में डाल लेते हैं। इससे फाइट और ज़्यादा बढ़ेगी, इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। आप ये मत सोचो कि इससे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आप जब भी पुरानी फाइट्स को और बीच में लाते हो तो इससे फाइट बढ़ेगी, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है पुरानी फाइट्स के बारे में डिस्कस करने का। पुराने फाइट्स के बारे में डिस्कस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपके बीच में फ़ाइट चल रही है और इसी वक्त आप पुराने फाइट्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एक साथ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए आपके बीच में जो भी फाइट चल रही है ना, उस फाइट पर फोकस करो। पास्ट में जो फाइट हुई है उन फाइट्स के बारे में मत सोचो, क्योंकि इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। आखिरी बात जो मैं बताने वाला हूँ वो हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फाइट्स तब के तब ही क्लियर हो सकती है। ज़्यादा मत बोलो, सिर्फ सुनो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब भी फाइट होती है ना तो वो एक दूसरे को काफ़ी बोलते हैं, वो इससे बोलता है, वो उसे बोलता है, इससे ना कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। इसीलिए आप सुनना सीखो, ज़्यादा बोलना नहीं। आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, उस इंसान को बोलने दो, थोड़ी देर बाद वो इंसान भी खुद शांत हो जाएगा। इससे आप डिस्कस कर सकते हो कि इस फाइट को कैसे सॉल्व करना है। फाइट्स आप दोनों के बीच में है तो सॉल्व भी आप दोनों को ही करना है। इसलिए जब भी फाइट होती है तब आप एक दूसरे को ज़्यादा मत बोलो, बल्कि एक दूसरे की बातें सुनो, क्योंकि अगर आप एक दूसरे की बातें सुनते हो तो फाइट्स तब के तब ही क्लियर हो सकती है। लेकिन अगर आप सुनने के बजाय सिर्फ बोले जा रहे हो तो इससे फाइट बढ़ेगी। हमेशा याद रखना, इससे फाइट क्लियर नहीं होगी। इसीलिए लिसन मोर एंड टॉक लेस, ये रूल, ये प्रिंसिपल जब भी फाइट होती है तब अप्लाई करना, कि मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, मुझे उस इंसान की बातें सुननी है। और अगर वो इंसान कुछ गलत बोल रहा है तो आप थोड़े देर के लिए उस इंसान से दूर हो जाओ, क्योंकि इससे चीज़ें कुछ ही देर में शांत हो जाएगी। और आप फिर से जब उस इंसान से बात करोगे तब इस बात पे फोकस करो कि आप उस फाइट को कैसे सॉल्व कर सकते हो, बल्कि इस बात पे फोकस मत करो कि इस फाइट को कैसे और बढ़ाना है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।